साइकोलॉजी खराब होने का एक बड़ा रीजन पता है क्या है? कि स्क्रीनशॉट्स, 1 करोड़, 2 करोड़, 40 लाख का प्रॉफिट में बैठा हुआ हूँ, 50 लाख का प्रॉफिट में बैठा हुआ हूँ, ये सब देख के आप लोगों का साइकोलॉजी जो है वो खराब हो जाता है। आपके पास 50 के कैपिटल है, उसमें से आपको 10 के प्रॉफिट हो रहा है, आपको ये सही नहीं लग रहा है, आपको फील नहीं हो रहा। प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज कितना होता है? बहुत होता है, लेकिन फिर भी आपका मन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको आपको लगेगा कि और एक ले लेते हैं, आज 10,000 हुआ, चलिए 20 करते हैं, 30 करते हैं, कल 1 लाख, परसों 2 लाख, मतलब महीने के एंड तक हो जाते हैं करोड़। लेकिन यही आपका साइकोलॉजी को बर्बाद करता है। अभी जो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ का स्क्रीनशॉट देते हैं, मैक्सिमम तो चलिए 2-1 को छोड़ के मैक्सिमम तो चलिए आपको पता ही क्या है मैक्सिमम, वो लोग जब ट्रेडिंग में आए थे ना, वो लोगों का माइंड में ये वाला साइकोलॉजी इफेक्ट नहीं किया था, तब कभी भी कोई भी तब क्रॉस का बात नहीं करता था। अभी तो किसी को भी देखो क्रॉस का स्क्रीनशॉट डाल रहा है, सब कोई क्रॉस कर रहा है, सब वेरीफाइड है, कहाँ से वेरीफाइड सेंसिबल है वो। ये आपको मेंटली डैमेज कर रहा है, इसको देखना बंद करिए। बड़े ट्रेडर्स का माइंड सेट से नॉलेज लीजिए, सही बात है, लेकिन ये हमेशा सीखने के लिए एक लॉट से करिए। जब तक आप एक लॉट से ट्रेड नहीं करोगे 1 साल तक, तब तक आप अपना साइकोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ज़्यादा लॉट तो आपका साइकोलॉजी ज़्यादा जल्दी खराब होगा। इसीलिए हमेशा सीखने के लिए, अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए आपको एक लॉट में ट्रेड करना चाहिए। और ये 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ का प्रॉफिट का जो स्क्रीनशॉट है, इसको देखना बंद करिए, आपको डैमेज कर रहा है, अपना साइकोलॉजी को डैमेज कर। और ये जो 1 करोड़ 2 करोड़ का जो आते हैं ना स्क्रीनशॉट, ये ऐसे नहीं आते आपको दिखाने के लिए, ये आते हैं कि आओ मेरा कोर्स लो, आप भी करोगे, और कोर्स में आपको स्ट्रैटेजी ही सिखाया जाएगा, इससे थोड़ा बच। और एक बार आप लॉस में आ जाते हो ना, तो आपको साइकोलॉजी ऐसे ही, देखिए सब एक चीज से एग्री करेंगे कि जब भी आप न्यू ट्रेडर थे आपको डर नहीं लगता किस चीज से, आपने एक लॉट ले लिया और एकदम बैठे हुए लास्ट तक एकदम एंड तक देखो, अभी ना आप डरते हो गए। आपका प्रॉफिट अभी चल रहा है 10K का, जैसे ही 8K हुआ उसके बाद फिर 10K हुआ, फिर 8K या 7K आना शुरू होगा, तो आप एग्जिट करोगे, जबकि आप देखोगे नहीं चार्ट के अंदर में क्या सिचुएशन बन रहा है, आप पैसे को देखते रहते हो। कभी भी MTM को देख के ट्रेड मत करिए। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि ट्रेड में एंट्री लेने के बाद प्रॉफिट या लॉस रेट को देखते रहते, चार्ट को देखते ही नहीं, ये आपका साइकोलॉजी को खराब करता है। आपको पैसे से नहीं बल्कि चार्ट से ट्रेड करना चाहिए। फिर अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।